लो जी, दिस प्लेस इज़ नियर ऋषिकेश और यह है रास्ता श्री नीलकंठ महादेव की ओर पैदल जाता है। एंड दिस इज़ अ वे इन द जंगल और मैं राजन भाई के साथ आगे जा रहे हैं। विल नॉट गो अप टू नीलकंठ महादेव, लेकिन रास्ते में एक गुफा है बाबा जी की, तो वहाँ पर दर्शन करेंगे। एंड नाउ दिस इज़ अ टाइम ऑफ लंच एंड आई विल ट्राई इन्जॉय द देसी टिक्कर, देसी घी और पुदीने की चटनी एंड लिटिल बिट सब्जी। सो इन्जॉइंग द मिड ऑफ जंगल एंड आई ट्राई टू कंटिन्यू द वीडियो। जस्ट हैव अ बिट पॉज। उसको तो नहीं। हाँ जी, हाँ हो गए। सो दिस इज अ वी कैन से फर्स्ट जंगल रेस्टोरेंट और ढाबा राजन जी का। वंडरफुल प्लेस विद डिलीशियस फूड विद राजन भाई, राजन ट्रांसपोर्ट एंड कॉरपोरेशंस, राजन गड्डी वाले। यू कैन सी हिज वीडियो, ही हैज ओपन हिज ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द फर्स्ट गड्डी ऑफ इलेक्ट्रिक वाहन थ्री व्हीलर, शुरुआत बेसिक से और आगे हम आगे आगे जाएंगे मुनी बाबा गुफा तक। यहाँ लंगूर बड़े हैं भाई, और ये है पाइपर लगाने वाली टूटी, और पाइप लगती है मुंह पर, साथ में भांग। ये जंगल, ये जर्दा हमारा नहीं सरदा। हम चले भोले बाबा की ओर। वो गुटर गुंग करते हुए मेरे साथ राजन जी, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी से मेरे बाजे बजे हैं। बाबा जय शंकर जी। ओहो बाबा जी, बत्ती लाने, वो क्या होता है बत्ती लाने का मतलब? ओ ना 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 ना, बहुत गर्मी है। इट्स अ मंथ ऑफ क्या महीना? अप्रैल, विशाख महीना प्रारंभ है कल से, और गर्मी ऐसे भाई टू मच। इट्स टू हॉट। ये जो एरिया है, दिस एरिया इज रिच इन एलिफेंट्स, गुलदार, एक शेर की प्रजाति कह सकते हैं, लाइक अ पैंथर, लाइक अ चीता, हिरन, जंगली सुअर, मोर और जो पक्षी होते हैं वो तो होते ही हैं, मुर्गा वगैरह। इस एरिया में हाथी बहुत है और गुलदार बहुत है। जगह जगह पर प्रिकॉशनली लिखा हुआ है कि यहाँ पर गाड़ी नहीं रोकना, जैसे ड्राइवर लोग रुक जाते हैं ना, अंधेरा होता है, चलो एक नंबर दो नंबर के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड फॉर यूरिनल, तो बहुत ट्रेजडीज होती हैं। ये एरिया इस तरह से है, थोड़ी सी पहाड़ी चढ़नी, जंगल रास्ता है, फिर बीच में एक सड़क क्रॉस करती है, और देख रहे होंगे दूर से गाड़ियाँ आ रही हैं,
और फिर से आगे पैदल मार्ग। सावन के महीने में जब कांवड़िए आते हैं तो काफ़ी रश होता है इस एरिए पे, लेकिन पैदल चलने के लिए भाई बड़ी हिम्मत चाहिए। हम तो थोड़ा सा एरिया कवर करेंगे। आई कांट मूव मोर। ये पानी का झरना है, अभी तो सूखा है। मोबाइल की मेमोरी भी फुल होने को है, काफ़ी वीडियोस अभी भी अपडेट करने वाली हैं। लेट्स इन शॉर्ट में कैप्चर करने की कोशिश। सो वी आर गोइंग टू मोनी बाबा केव। देखिए कितना शांत एरिया है, और मोनी बाबा एक बाबा हुए हैं जो कि गुफा में यहाँ समाधिस्थ रहते थे। नाम से ही क्लियर है, मोनी बाबा इज़ अ नेम, केव इज़ अ गुफा। तो कितना पीसफुल एरिया है ध्यान के लिए, साधना के लिए, और कितना डेंजर एरिया है, बट आई लव दिस एरिया डेस्परेटली। आई लव। यहाँ कुछ है, ये देखिए हाथी का मल, ये जगह जगह बिखरा है। ये होते हैं फुटप्रिंट्स और ये हैं मल प्रिंट्स। वो देखो मेरा हाथी साथी रह गया पीछे, वो अंजल लगा रहा है, वो मेरे साथ गर्म हो रहा है कि तू मेरे को चलाता बहुत है, पर खुश है कि घुमाता बहुत है। क्यों है डर लगता? अभी भाई ने दो रोटियां खाई हैं, केड़ी खादी मक्की की, साथ में घी, चटनी डिलीशियस, दो सब्जियां और लस्सी, वो भी इनमें जंगल, इन जंगल में, इन द जंगल। और नाउ मेरा हाथी है ढेर, नहीं चलने को हो रहा शेर, क्योंकि अब है नेस्ती, ये बन जा रहा है लेस्ती। हाथी ने फाड़ लेना मेरा लादा। अभी भी मोनी बाबा केव नहीं आई। सो फाइनली वी आर अबाउट टू रीच द केव। अब थोड़ा सा पंजाबी में हौसला हुआ है। ओ सामने एक ब्रेक लगाएं भाई, थोड़ी रेस्ट इज बेस्ट देन नेक्स्ट। ये भाई लोग आ रहे हैं नीलकंठ मंदिर से माथा टेककर। भैया नीलकंठ से आ रहे हैं, कितने किलोमीटर है यहाँ से? 8 किलोमीटर। और कितनी टफ है चढ़ाई आगे? खड़ी चढ़ाई है। ओ माय गॉड, खड़ी चढ़ाई। और हम ये सुनकर यहीं पर खड़े हो गए, हम जाएंगे मोनी बाबा तक। वीडियो की जितना मेरे को नॉलेज है परमिशन नहीं है। जय शंकर। ट्राई वो देखो मेरा साथी तो ढेर हो गया जी, वो हमारा कमांडो ढेर हो गया। ओम नमः शिवाय।
अच्छा ये झरना है मोनी बाबा का। अभी जो संत विराजमान है यहाँ स्नान करते हैं। अच्छा लगा उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनकर। एवरीथिंग बाय गॉड ग्रेस। इतनी दूर जगह पर आना, किसी संत से मिलना, एकांतवास गुजारना, यूट्यूब पर देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं, हमारे भी नहीं थी। सो वंस अगेन ऑल इज़ गॉड ग्रेस। थैंक यू सो मच माई गॉड फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।